अन्योंगासायो, हेलो एवरीवन। दोस्तों, साउथ कोरिया उन कंट्रीज में से एक है जहां बॉयज़ को कंपलसरी 2 इयर्स की मिलिट्री सर्विस के लिए जाना होता है, फिर चाहे वो एक्टर हों या के पॉप स्टार। ऐसे ही हमारे कुछ फेवरेट के ड्रामा एक्टर्स अभी अपनी मिलिट्री सर्विस में बिजी हैं और जल्द ही अपनी मिलिट्री सर्विस कम्प्लीट करके डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से एक्टर्स हैं जो आने वाले टाइम में मिलिट्री सर्विस कम्प्लीट करने जा रहे हैं। वू दो वन, इस क्यूट और टैलेंटेड साउथ कोरियन एक्टर को हम सभी सेव मी, मैड डॉग्स और अभी रिसेंटली आए शो द किंग एटर्नल मोनार्क में देख चुके हैं। वू दो वन ने मिलिट्री सर्विस के लिए 6 जुलाई 2020 को अप्लाई किया और उनके 5 जनवरी 2022 को आर्मी सर्विस से डिस्चार्ज होने की उम्मीद है। संगजू, किम संगजू को हम सभी कोरियन एक्टर और सिंगर के तौर पर जानते हैं। किम संगजू ने अपने करियर की शुरुआत YG एंटरटेनमेंट में एज अ ट्रेनी शुरू की। 5 इयर्स की ट्रेनिंग के बाद संगजू ने ऑफिशियली डेब्यू किया। संगजू ने अपनी मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस 1 मार्च 2020 को ज्वाइन की और 16 सितंबर 2021 को उनके मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस से रिलीज होने की उम्मीद है। होंग जोंग ह्यून, मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत करने वाले होंग जोंग ह्यून ओ माई लेडी, मून लवर्स, द किंग इन लव और एब्सोल्यूट बॉयफ्रेंड जैसे सुपरहिट शोज दे चुके हैं। होंग जोंग ह्यून अपनी मैंडेटरी सर्विस के लिए 2 दिसंबर 2019 को एनलिस्ट हो चुके हैं और उनके 17 जून 2021 को मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस से डिस्चार्ज होने की उम्मीद है। चोई ते जून, सस्पिशियस पार्टनर, मिसिंग 9, एक्लिप्स और फ्लावर ऑफ द प्रिजन जैसे शोज देने वाले चोई ते जून ने अपनी मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस 1 अगस्त 2019 को ज्वाइन की और 18 मई 2021 को अपनी मिलिट्री सर्विस कंप्लीट करेंगे। ली होंगी, यू आर ब्यूटीफुल, ब्राइड ऑफ द सेंचुरी और कोरियन ओडिसी जैसे के ड्रामा करने वाले ली होंगी एक्टर के साथ साथ सिंगर भी हैं। ली होंगी ने मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस के लिए 30 सितंबर 2019 को अप्लाई किया और 18 अप्रैल 2021 को वे मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस से रिलीज हो जाएंगे। क्योंगसू, क्योंगसू को हम सभी उनके नेम डीओ से जानते हैं। डीओ को साउथ कोरियन चाइनीज बॉय ग्रुप एक्सो मेंबर के तौर पर जाना जाता है। डीओ 100 डेज माय प्रिंस, रूम नंबर 7 और पॉजिटिव फिजिक्स जैसे के ड्रामा दे चुके हैं। डीओ ने अपनी मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस के लिए 1 जुलाई 2019 को अप्लाई किया और 25 जनवरी 2021 को वो अपनी सर्विस से डिस्चार्ज होंगे। वान चान संग, वान चान संग को हम सभी चान संग के नेम से जानते हैं। ये साउथ कोरियन एक्टर के साथ साथ सॉन्ग राइटर, रैपर और सिंगर भी हैं। साथ ही चान संग कोरियन बॉय बैंड 2PM के मेंबर भी हैं। चान संग ने आर्मी 11 जून 2019 को ज्वाइन की और 5 जनवरी 2021 को उनके मिलिट्री सर्विस से डिस्चार्ज होने की उम्मीद है। पाक वांग से, द एयर्स, हाई सोसाइटी, वारंग और स्ट्रॉन्ग गर्ल बोंग सुंग जैसे सुपरहिट के ड्रामा करने वाले पाक योंग सिक ने मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस 10 जून 2019 को ज्वाइन की और अब 4 जनवरी 2021 को अपनी मिलिट्री सर्विस कंप्लीट करके डिस्चार्ज हो जाएंगे। ली जोंग सुक, डॉक्टर स्ट्रेंज, डब्ल्यू और वाइल्ड वर यू स्लीपिंग जैसे सुपरहिट शो करने वाले ली जोंग सुक अभी अपनी मिलिट्री सर्विस में बिजी हैं। ली जोंग सुक ने 10 जून 2019 को अपनी मिलिट्री सर्विस के लिए अप्लाई किया और वे 2 जनवरी 2021 को अपनी मिलिट्री सर्विस से डिस्चार्ज हो जाएंगे। चोई मिन हो, चोई मिनहो को हम सभी शाइनी ग्रुप मेंबर मिनहो के नेम से जानते हैं। मिनहो वारंग, टू द ब्यूटीफुल यू और माय फर्स्ट टाइम जैसे अमेजिंग शो कर चुके हैं। मिनहो ने अपनी मिलिट्री सर्विस 15 अप्रैल 2019 को ज्वाइन की और वे 14 नवंबर 2020 को डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। टिल देन, टेक केयर, बाय।